फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से युवती को अश्लील फोटो और मैसेज करने वाले युवक को राज्य साइबर सेल ने पकड़ा है। आरोपी नाइजीरिया में प्राइवेट जॉब करता है और पीड़िता का इंस्टाग्राम फ्रेंड भी है। पुलिस ने उससे मोबाइल और सिम जब्त की है। राज्य साइबर सेल इंदौर के एसपी जितेंद्र सिंह ने बताया, मार्च 2020 में छात्रा ने एक इंस्टाग्राम आईडी से अश्लील फोटो और मैसेज करने के संबंध में शिकायत की थी। उक्त इंस्टाग्राम आईडी की जांच की गई तो आनंद पिता विजय बरोले उम्र 27 साल निवासी पाटनीपुरा के नाम से रजिस्टर्ड होना पाया गया। नाम और पते की तस्दीक करने पर आरोपी नाइजीरिया में होना पाया गया। वह नाइजीरिया से ही छात्रा को परेशान कर रहा था। हाल ही में आरोपी इंदौर आया, जिसके बाद उसे राज्य साइबर सेल ने पकड़ा। पूछताछ में उसने बताया वह फरियादिया को पहले से जानता है। वह अपने इंस्टाग्राम आईडी से उसे चैटिंग करता था, लेकिन छात्रा उससे बात नहीं कर रही थी, इसलिए वह दूसरे फर्जी आईडी से अश्लील फोटो और मैसेज भेजकर उसे परेशान कर रहा था। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल और सिम जब्त की है और अपराध पंजीबद्ध करने के बाद जो आरोपी इसमें संदेही जो था उसके घर पर जब पड़ताल की गई तो पाया कि वो जो संदेही है वो वर्तमान में नाइजीरिया में नौकरी कर रहा है। और इस आधार पर फिर इसको विवेचना को जब और आगे बढ़ाया गया तो ये पाया गया कि उसने ये जो फर्जी इंस्टाग्राम आईडी थी जिससे कि वो छात्रा को अश्लील मैसेज कर रहा था, अश्लील फोटो भेज रहा था, वो उसने जब वो भारत से नाइजीरिया गया था उससे पूर्व भी बना ली थी वो फर्जी आईडी। और वो नाइजीरिया में रहकर भी ये जो छात्रा को परेशान करने की गतिविधियाँ कर रहा था। हाल ही में जब वो नाइजीरिया से वापस आया है भारत और इंदौर जब आया है तो उसको इस प्रकरण में आरोपी बनाया गया है और उससे इस जो घटना है इसमें प्रयुक्त सिम और मोबाइल जिससे कि वो फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाया गया था वो भी जब्त किया गया।